सच्चे परमेश्वर का आदेश शिव प्राण से कथा और बिल्कुल अछूती कथा आप श्रवण करेंगे। प्राण से बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण करेंगे। सबसे पहले आप कथा को समझ लें। शिव प्राण पेज नंबर 735 से कथा है, 21वें अध्याय की यह कथा। वेदों पुराणों में हमारे हिंदू धर्म में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा विशेष महत्व है। एक ज्योतिर्लिंग की कथा आप श्रवण करेंगे, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ। एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली। आज गजानन महाराज पृथ्वी की परिक्रमा ना करके अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं, बुद्धि का परिचय देते हैं। और इधर स्कंद जी महाराज मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। जब तक लौट कर आते हैं, भगवान गजानन को प्रथम स्थान मिल जाता है और भगवान गजानन की शादी हो तो बच्चे भी हो जाते हैं। इसी बात से स्कंद जी महाराज रूठ करके और कैलाश पर्वत छोड़ करके चले जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। तो पार्वती कहने लगी, ए सुनो हमारी बात, ए ना जाओ यूं छोड़ के, रहो हमारे पास। कहा लाल, ए रोने लगे हैं लयल हमारे, रोने लगे हैं नयन हमारे, और आंखों से मेरी दूर जा रहा है, ए आंखों से मेरी दूर जा रहा है, और रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है। जय हो। क्या कहती माता पार्वती, और रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है, रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है, रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है। रोने लगे हैं, रोने लगे हैं नयन हमारे, रोने लगे हैं नयन हमारे, रोने लगे
के रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है, रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है, रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा है। आज पार्वती अपने लाल को बार बार मनाती है। परमादरणीय सम्मानी हमारे धनराज सिंह जी पटेल साहब वालाखेड़ी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। सम्मानी हमारे रामकृष्ण मंडल बहोरी कला आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानी श्री राम सिंह जी यादव शुक्रवार आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। मानी भी जाओ बातें हमारी, कहती है तुमसे मैया तुम्हारी, ओ छोटा साथ, ए छोटा साथ ललन तेरा, छोटा साथ ललन तेरा, कहा मानने वाले थे आज कैलाश पर्वत छोड़ करके क्रौंचगिरी पर्वत पर निवास कर लेते हैं। इधर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि प्रभु आपको मेरे साथ चलना होगा और क्रौंचगिरी पर्वत से अपने लाल को हम वापस लेकर के आएंगे। परम सम्मानीय भदौरिया परिवार की ओर से यह 1101 रुपए का आशीर्वाद। सम्मानीय अर्जुन सिंह जी सरपंच साहब, आदरणीय योगेश जी पटेल साहब सरपंच साहब आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद। तो देखिए क्या होता है। तो मेरे नाम ए बिनती है नाथ आप से, ए जान लीजिए। कहा आप तो सब जानने वाले हैं। परमादरणीय राहुल सिंह जी भदौरिया आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। ए बिनती है नाथ आप से, ये जान लीजिए। कहा नाथ ये बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, ये बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा। बस एक बार मेरा कहा नाथ, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान। आज बारंबार विनती करती है और कहने लगती है कि नाथ
जाना होगा। कहानात ये तुम्हें साथ मेरे जाना होगा। ये बातें पुरानी भुलाना होगा। तुम्हें साथ मेरे जी मोकलवाड़ी जस मंडल मम्मा जी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना। तुम्हें साथ मेरे जाना होगा। ए बातें पुरानी भुलाना होगा। पार्वती दोनों अपने पुत्र स्कंद को ढूंढने के लिए क्रोशगिरी पर्वत पर निकल जाते हैं। आगे आगे मां गिरजा चलती है और पीछे भगवान भोलेनाथ। आगे चली गिरजा महारानी, आगे चली गिरजा महारानी, आगे चली गिरजा महारानी। ओ पीछे भोले शिव बरदानी। तो इधर जैसे ही स्कंद जी को पता लगता है कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढते हुए क्रोधगिरी शैल पर्वत पर आ रहे हैं, तो आज तीन योजन दूर अपने माता पिता से चले जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, और आज उसी शैल पर्वत पे क्रोधगिरी पर्वत पर ज्योति रूप में वहीं पर बस जाते हैं, जिसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो भोलेनाथ इस पार्वती ज्योति बन के सारे जग में किए उजाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ज्योति रूप में उस पर्वत पर सदा के लिए वास कर लेते हैं, जहां पर जिस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। यह कथा शिव पुराण में पेज नंबर 735 में दी हुई है, 21वें अध्याय की यह कथा है। इस पार्वती ज्योति बन के सारे जग में किए उजाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। भोले शंकर भगवान की जय।